हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी इस सीरीज को आज हम कंटिन्यू करेंगे थर्टियथ और थर्टी फर्स्ट मार्च के करंट अफेयर्स के साथ क्योंकि हमारी पिछले कल की भी क्लास मिस हुई थी ना तो वो भी हमने इसी वाली साइड में हम उसको कवर कर लेंगे ठीक है पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देख लेते हैं आज की थर्टी फर्स्ट मार्च को ना दो इंटरनेशनल डेज ऑब्जर्व किए जाते हैं फर्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग चेकिंग इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है कि ताकि इंश्योर किया जा सके कि लोगों में प्रॉपर अवेयरनेस है या नहीं ड्रग्स के रिगार्डिंग ड्रग्स और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए और उसकी अवेयरनेस को और ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो ट्रांसजेंडर्स के साथ जितना भी भेदभाव होता है ना जो भी ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको जिस भी जैसे गलत तरीके से ट्रीट करते हैं ना तो उसको अवॉइड करने के लिए उसको कम करने के लिए और साथ के साथ ट्रांसजेंडर्स की जितनी भी हमारी सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशन हुई होती है ना उसको सेलिब्रेट करने के लिए इस वाले डे को ऑब्जर्व किया जाता है ओके okay? अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का हु वॉन्ट द थर्ड एडिशन ऑफ द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन बीबीसी नाम की एक आ, वो है इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड जिन्होंने दिया है थर्ड एडिशन है ये इस अवार्ड की 2021 की जो बीबीसी की स्पोर्ट्स वेमेन ऑफ द ईयर हैं वो हमसे पूछी गई हैं यहाँ पर तो वो हैं मीरा बाई चानू मीरा बाबाई चानू वो हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल भी जीता था तो उनको ये अवार्ड दिया गया है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो फर्स्ट एडिशन का अवार्ड था वो पी सिंधु को मिला था ठीक है फर्स्ट एडिशन का सेकेंड एडिशन पीवी सिंधु आपकी बैडमिंटन प्लेयर है इंडियन आपको पता ही होगा सेकेंड जो मिला था वो मिला था कोनेरू हम्पी को कोनेरू हम्पी को सेकेंड एडिशन का मिला था चेस के लिए ये चेस प्लेयर है इंडिया की थर्ड आपका मीराबाई चानू को मिला है ठीक है अब अगर हम बात करें इसके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की ये जो पॉइंट्स होते हैं ना स्टैटिक ये सारे आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो जरूरी नहीं कि जो हम क्वेश्चन में कवर कर रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी पॉइंट्स बनते हैं वो हम ऐसे स्टैटिक पोर्शन में हमेशा कवर करते रहेंगे ठीक है तो इसके स्टैटिक पॉइंट्स हैं कि जो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है बीबीसी का वो मिला है कर्नम मल्लेश्वरी को कर्नम मलेश्वरी जो इंडिया की फर्स्ट ऐसी वुमेन बनी थी जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल लिया था 2000 में जो ओलंपिक्स हुए थे ना उसमें ब्रॉन्ज मेडल लिया था इन्होंने वेट लिफ्टिंग में तो ये फर्स्ट ऐसी इंडियन वुमेन थी इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है बीबीसी का और अगर हम बात करें बीबीसी की जो एमर्जिंग इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन है वो वाला अवार्ड इस पर किसको मिला है ट्वेंटी वाला शफाली वर्मा को ठीक है शफाली वर्मा हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं वेमेन जो इंडियन की वीमेन क्रिकेट टीम है उसके लिए प्ले करती हैं एंड शी द दंगेस्ट वुमेन जो टी ट्वेंटी इंटरनेशनल मैच जिन्होंने ट्वेंटी नाइनटीन वाला यंगेस्ट थी इन्होंने वो वाला मैच खेला था ठीक है ट्वेंटी नाइनटीन का इंटरनेशनल टी ट्वेंटी तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उसके फॉर्मेट कौन सा था जिस फॉर्मेट में इन्होंने प्ले किया था तो वो टी ट्वेंटी फॉर्मैट में इन्होंने प्ले किया था Uh, ये जो अवार्ड सेरेमनी थी ये हुई कहाँ पर थी न्यू डेली में और इसको होस्ट किया था जो डायरेक्टर जनरल हैं बीबीसी के टिम डैवी टिम डैवी डायरेक्टर जनरल हैं बीबीसी के उन्होंने इसको होस्ट किया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना यूनेस्को इंक्लूड्स लिविंग रूट ब्रिजेस और जिंकिंग ज्री

उस लिस्ट में लिविंग रूट ब्रिजेस को इन, इन्वॉल्व कर दिया गया तो हमसे ये पूछा गया कि ये ब्रिजेस कौन, कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं तो ये ब्रिजेस आपके मेघालय में होते हैं ठीक है अब इसके कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स देख लेते हैं एट प्रेजेंट मेघालय में हंड्रेड ऐसे लिविंग रूट ब्रिजेस हैं जो डिफरेंट सेवेंटी डिफरेंट विलेज में पाए जाते हैं ठीक है हंड्रेड लिविंग रूट ब्रिजेस हैं और इन लिविंग रूट्स को इन ब्रिजेस को बनाने के लिए ना टेन टू फिफ्टीन ईयर लग जाते हैं एक ट्री होता है जो वहाँ पर पाया जाता है जिसको बोलते हैं इंडियन रबर फिग ट्री इंडियन रबर फिग ट्री इस ट्री के जो रूट्स होते हैं ना उनको इस तरह से फोल्ड किया जाता है ताकि वो जो है ब्रिज की फॉर्म ले लें पर ब्रिज की फॉर्म लेने में उनको टेन टू फिफ्टीन ईयर्स लगते हैं तो ऐसे वहाँ पर कम्युनिटीज़ हैं एक दो वहाँ पर कुछ फेमस ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो इन ट्रीज़ को बनाती हैं तो इन ट्रीज़ को Uh, इस वाली लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा अभी तो मतलब अस्थाई लिस्ट में है जो आपकी टेम्प्रेरी लिस्ट है अभी उसमें हो सकता है कि इनको दर्जा दे दिया जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट का तो हमें ये पूछा जा सकता है हमसे कि टेम्प्रेरी लिस्ट में किस किस जगह को शामिल किया गया था ठीक है अगर हम बात करें यूनेस्को की जो आपका यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है इसके डायरेक्टर जनरल कौन है ऑड्री अजूले ऑड्री अजूले इसके डायरेक्टर जनरल हैं इस्टबलिश हुआ था ये 1945 में और हेड हेडक्वार्टर हैं इसके पैरिस में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर लॉन्चेस सुजलाम 2.0 कैंपेन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन न्यू दिल्ली यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत उन्होंने एक कैंपेन uh, लॉन्च किया है जिसका नाम है सुजलाम 2.0 ये न्यू uh, दिल्ली में लॉन्च हुआ है इसमें कौन सी वाटर मैनेजमेंट को फोकस किया गया टारगेट किया गया तो ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए ये वाला कैंपेन स्टार्ट किया गया ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट्स देख लेते हैं इसके कुछ uh, ये जो है लॉन्च किसने किया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटाइजेशन उन्होंने इसको लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में बाय द जल शक्ति मिनिस्टर हमने पहले डिस्कस कर लिया जल शक्ति मिनिस्टर जो आपके गजेंद्र सिंह शेखावत हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है अब इसमें जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इनका वो ये है कि जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट होता है पहले हम ये देख लेते हैं ग्रे वाटर क्या होता है ग्रे वाटर मतलब कि जो भी आपका सोप वाला वाटर होता है ना जो चाहे आप वो शावर से बन रहा है ग्रे वाटर या फिर आपका डिश वॉशिंग से बन रहा है या नहाने से या किसी भी चीज़ से तो वो उस वाटर की मैनेजमेंट के लिए ये जो है कैंपेन इसको स्टार्ट किया गया है कि उसको प्रॉपरली मैनेज किया जा सके और ये इंश्योर किया जा सके कि आ, किसी भी जगह पर जैसे पंचायत में या स्कूल्स में आंगनबाड़ीज में ग्रे वाटर मैनेजमेंट को अच्छी तरह से अडॉप्ट किया जाए ठीक है वहाँ पर वो लोग एक उसको एक आ, मतलब अपनाएं ताकि जो ग्रे वाटर है उसकी मैनेजमेंट हो सके ठीक है तो बस इसमें आपको याद रखना है कि सूजलाम जो 2.0 पॉइंट कैंपेन है वो आ, हमारे यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर ने लॉन्च किया है न्यू डेली में लॉन्च किया है और ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट्स एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ क्रिएटिंग टू न्यू एयरपोर्ट्स बाय विच ईयर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट रखा है कि हम आ, कौन से फॉलोइंग में से कितने साल तक किस साल तक हम लोग 220 नए एयरपोर्ट्स को बना देंगे ठीक है डेवलप कर लेंगे तो वो किया है 2025 तक 2025 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा है कि हम नए 220 एयरपोर्ट्स जो है उनको इंट्रोड्यूस कर लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं इसके टू ट्वेंटी हैं ट्वेंटी तक जिसमें से आ, थ्री जो हैं वो ग्रीन फील्ड होंगे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स थ्री होंगे और फोर्टी uh, टू होंगे ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट्स अब क्या होते हैं ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट्स ग्रीन फील्ड वो होते हैं जो मतलब uh, एकदम न्यूली uh, जगह होती है एकदम फ्रेश जहाँ पर कोई और डेवलपमेंट नहीं हुई होती है पहले कोई और कंस्ट्रक्शन नहीं हुई होती एकदम मतलब ग्रीन फील्ड पर ही ठीक है जहाँ पर कोई और कंस्ट्रक्शन नहीं हुई होती है उस फील्ड पर फ्रेश एकदम आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स तो वो थ्री लॉन्च होने वाले हैं क्योंकि सिर्फ थ्री हैं तो हम आपको नाम भी पूछ लिया जा सकता है एक होलोंगी और एक हिरासर और तीसरा जो है वो ढोलेरा ये तीन ग्रीन फील्ड होंगे और 42 टू ब्राउन फील्ड होंगे अब ब्राउन फील्ड वो होती है जहाँ पर पहले कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन हुई भी होती है उसी को आप डेवलप करने जाओगे या फिर उसको आप उस पर ही और थोड़ी कंस्ट्रक्शन करके उसको इम्प्रोवाइज़ करोगे और बेहतर बनाओगे तो 42 टू हैं जो वो ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट्स होंगे इस लिस्ट में ठीक है अगर हम बात करें आपकी आ, इंडिया की ना जो कार्गो फ्लाइट्स है ना मतलब कार्गो फ्लाइट जैसे हमारी कार्गो ट्रेन होती है ना जिसमें जो भी आपका फूड या और सामान होता है उसको लेके जाते हैं तो वैसी कार्गो फ्लाइट्स जो है पेरिशेबल फूड आइटम्स के लिए मतलब जो पेरिशेबल होता है जो मतलब ख़राब हो जाते हैं फूड आइटम्स ऑलमोस्ट सारी ही फूड आइटम्स आपकी जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए या कुछ जो थोड़े टाइम के बाद ख़राब हो जाते हैं उनके लिए जो कार्गो फ्लाइट्स है ना वो भी नए इंट्रोड्यूस करने जा रहा है इंडिया 133 नई फ्लाइट्स उसके लिए भी शुरू हो रही हैं जो कि 30 परसेंट बूस्ट आएगा मतलब थर्टी परसेंट के बूस्ट पे वन थर्टी थ्री नई फ्लाइट्स को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इसमें भी ठीक है जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो कौन है ज्योतिरादित्य सिंधिया ठीक है जो आपके यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं सिविल एविएशन के लिए वो हैं जनरल वी के सिंह ठीक है जनरल वी के सिंह नेक्स्ट अपना देख लेते हैं आज का क्वेश्चन ईज माई ट्रिप पार्टनर्ड विद बिच बैंक टू लॉन्च ग्रीन डेबिट कार्ड ईज माई ट्रिप एक कंपनी है उसने किसके कौन से बैंक के साथ पार्टनर किया है टू लॉन्च ग्रीन डेबिट कार्ड तो ये किया है आपका डी बी एस बैंक के साथ ठीक है डी बी एस बैंक के साथ किया है स्टार्ट में इसका बनता है हमारे पास कि ईज माई ट्रिप और डीबीएस ने एक पार्टनरशिप की है टू लॉन्च एनवायरमेंट फ्रेंडली इंटरनेशनल डेबिट कार्ड या फिर ग्रीन डेबिट कार्ड अब क्वेश्चन आपसे एग्जाम में स्पेशली अगर बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि जो ग्रीन डेबिट कार्ड है वो क्या होते हैं तो वो बेसिकली इन, आ, आपकी इको फ्रेंडली इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होंगे ठीक है इको फ्रेंडली हंड्रेड परसेंट ना नाइनटी नाइन परसेंट इसमें पी वी सी मटीरियल वाला है ठीक है और ये ऐसा पहला कार्ड बनने वाला है जिसमें नाइनटी नाइन परसेंट रिसाइकल्ड पी वी सी यूज होगा ठीक है ये आप देख लेना एक बार पोलीवेन क्लोराइड बोलते हैं पी वी सी को ओके और नेक्स्ट है इसमें इस किस लिए ये स्टेप उठाया गया है? ताकि जो सस्टेनेबिलिटी है या सस्टेनेबल टूरिज्म है ना उसको और बढ़ावा दिया जा सके ठीक है सस्टेनेबल टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए और ये मूव जो है वो आपका कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस करेगा अब कार्बन फुटप्रिंट हमने पहले भी डिस्कस किया था क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट होता है कि एक इंडिविजुअल चाहे वो एक पर्सन हो या फिर एक इंडस्ट्री uh, हो या एक कंपनी हो या एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो वो अकेला कितने जो आपके जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनको उनकी एमिशन कितनी होती है एक पर uh, हेड या uh, किसी एक इंडस्ट्री पे उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट कि एक इंडिविजुअल वगैरह जो भी हैं वो कितना नेचुरल सॉरी uh, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन पे मतलब uh, उनका रोल होता है ठीक है तो वो कम से कम हो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन उसके लिए इस मूव को लिया गया ठीक है डी बैंक की अगर हम बात करें मुंबई में उसके हेड क्वार्टर्स हैं एम डी हैं उसके सुरोजीत शो में सुरोजीत शो में उसके एम एंड सी हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का अकॉर्डिंग टू इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 एंड नेशनल टीबी बी सर्वे इन इंडिया 2019 नाइनटीन टू ट्वेंटी वन विद स्टेट और यूटी टी टॉप इन टीबी बी तो भारत की टीबी रिपोर्ट 2022 और भारत में राष्ट्रीय टीबी प्रसार सर्वेक्षण ट्वेंटी नाइन्टीन के अनुसार टी प्रसार में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर है टॉप कौन सा स्टेट या यूटी कर रहे हैं तो इसमें डेली टॉप कर रहा है अब टीबी का मतलब होता है कि जिसमें मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है जहां पर टीबी ठीक है जहां पर बहुत प्रसार हो रहा है उसका मतलब किसी रीजन से वहां पर टीबी बहुत ज्यादा फैल रहा है तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स देख लेते हैं आप इस लिस्ट का ये जो रिपोर्ट थी इसका नाम क्या था कमिंग टुगेदर टू एंड ऑल टुगेदर कमिंग टुगेदर टू एंड टी ऑल टुगेदर और ये जो रिपोर्ट है किसके अंडर आई थी नेशनल टीबी बी प्रेवलेंस सर्वे इन इंडिया 2019-2021 इसके अकॉर्डिंग ना 19 परसेंट इंक्रीज हुआ था टीबी में 2020 से 2021 के अगर हम आंकड़ों को नापें तो 2020 से 2021 में 19 परसेंट जो है बढ़ गया था टीबी इंडिया में अगर हम बात करें रिपोर्ट की तो ये रिपोर्ट आ, आपके जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया उन्होंने रिलीज़ की थी कब रिलीज़ की थी वर्ल्ड टीबी डे के दिन वर्ल्ड टीबी डे हमने पढ़ा भी था ना ट्वेंटी फोर्थ मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं <coughs> और इस बार की उसकी थीम थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स हमने ये भी डिस्कस किया था थीम भी कि इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स उसमें जो आपका स्टेप अप टू एंड टीबी वाला सम्मिट था ना उस समिट के अंडर ये रिपोर्ट जो है उसको लॉन्च किया गया था ठीक है मनसुख मांडविया ने इसको लॉन्च किया था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हु लॉन्च जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 ऑप्शंस तो में कंफ्यूजिंग भी है, एक चीज़ की, के बारे में है तो हो सकता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया हो बट उन्होंने नहीं किया ये प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया है ठीक है इसके स्टार्टिंग कैंपेन वॉज लॉन्च ड्यूरिंग द इवेंट ऑर्गेनाइज बाई ने दो या तीन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इसको आ, ऑर्गेनाइज किया था इवेंट को तो पहली ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास नेशनल वाटर मिशन डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वनेशन और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन चारों ने मिलकर इस इवेंट को लॉन्च किया था ऑर्गेनाइज़ किया था कहाँ पर किया था विज्ञान भवन में न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया गया था थीम क्या थी इस जल शक्ति अभियान की कैच द रेन वेयर इट फॉल्स वेन इट फॉल्स तो बेसिकली ये जो आपका जल शक्ति अभियान है ये आपका वाटर कंजर्वेशन को डिपेक्ट करता है ठीक है पानी को बचाया जा सके उसके लिए अभियान जो है वो स्टार्ट किया गया है इसमें यहाँ पर आपको थीम से पता लग गया होगा कैच द रेन वेयर इट फॉल्स वेन इट फॉल्स मतलब कि जो बारिश का पानी है उसको कैसे बचाया जा सकता है उसके लिए उसके बेस पे इसकी जो थीम थी जल शक्ति अभियान की ये रखी गई थी ठीक है उत्तर प्रदेश इसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बनी है इस साल की और उसके बाद है राजस्थान और तमिलनाडु ठीक है उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है सेकंड पे राजस्थान थर्ड पे तमिलनाडु जिन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया था रेन वाटर या वाटर की कंजर्वेशन में इस साल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बोइंग एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सी एस आई आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आई आई पी पार्टनर्ड विद विच एयरलाइन फॉर इको फ्रेंडली एविएशन फ्यूल बोइंग और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने इको फ्रेंडली एविएशन फ्यूल के लिए किस एयरलाइन के साथ साझेदारी की है तो इको फ्रेंडली एविएशन फ्यूल इस क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है क्यों क्योंकि अभी इको फ्रेंडली बहुत सारी चीज़ें हमारे को बहुत ज़रूरी चाहिए क्योंकि क्लाइमेट चेंज वगैरह जो भी हो रहा है उसमें बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इको फ्रेंडली चीज़ का अब ये तो एविएशन फ्यूल है आपको पता है इस टाइम पर जो भी आपका एविएशन सेक्टर है वो बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है है ना तो इस वजह से हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है अब ये साइन किसने किया है ये क्या आपके स्पाइस जेट ने स्पाइस जेट बोइंग और सी एस आई आर आई आई पी ने मिल के इस इको फ्रेंडली फ्यूल को इंट्रोड्यूस uh, किया है ठीक है इस पर मतलब वर्क करने जा रहे हैं अभी है। तो इसमें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो ये वाला है इको फ्रेंडली एविएशन फ्यूल इसको सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी बोलते हैं एविएशन फ्यूल तो पता ही है ना आपको कि जो आपका एयरप्लेन वगैरह में फ्यूल यूज़ होता है उसको बोलते हैं तो उसमें आ, और थोड़ी सस्टेनेबिलिटी लाई जा सके उसके लिए ये मूव लाया गया है और इसमें जो आपके कार्बन अमिशन्स हैं उनको भी रिड्यूस किया जाएगा ठीक है अब कार्बन मिशन अगर रिड्यूस होंगी तो ऑब्वियसली हम जो हमारे हमने सेटअप किए हुए इन्वायरमेंटल गोल्स कुछ उनको भी हम फॉलो करेंगे साथ के साथ है ना और हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन ना इस वाले स्टेप के बाद नियरली 65 परसेंट तक कम हो जाएगी ठीक है जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसकी एमिशन 65 परसेंट तक कम हो जाएगी और इन्होंने टारगेट रखा है कि हम इसको 100 परसेंट तक करें 100 परसेंट तक रिड्यूस कर दें कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को ये जो आपका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल होता है उसका ये बेसिक टारगेट है ठीक है अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि 2021 में बोइंग जो है उसने ये बोला था कि आ, हम अपनी आ, फ्लाइट्स में 2030 तक ना 100 परसेंट्स आपका सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ही आ, कर देंगे ठीक है मतलब कि वो ऐसी कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कर देंगे कि जिसमें 100 परसेंट सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ही यूज़ किया जा सके कब तक बोला है 2030 तक 2030 तक इन्होंने ये टारगेट रखा है कि हम ऐसी फ्लाइट्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिनमें यही वाला इको फ्रेंडली आपका एविएशन फ्यूल जो है वो यूज़ किया जाएगा ठीक है तो ये बोइंग ने किया है ये आपको याद रखना है

Uh, इस डिजिटाइजेशन uh, के अंडर आपका डिजिटल के होगा जो आपका नो योर कस्टमर होता है ना 2002 में लॉन्च हो गया है ये के वाई सी के में इंट्रोड्यूस किया गया था तो इस वाले uh, uh, जो आपका ये पार्टनरशिप हुई है इसके अंडर डिजिटल के होगी आपकी वीडियो के होगी जो वीडियो के थ्रू वीडियो कॉलिंग के थ्रू uh, e के की जाती है वो होगी और ई के होगी जो इंटरनेट के थ्रू की जाती है ठीक है अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब ऐसी के होगी ना तो जो भी आपकी डिजिटल ऑनबोर्डिंग होगी वो बहुत ईजी हो जाएगी डिजिटली जो भी कस्टमर्स आपके बैंक से जुड़ना चाहेंगे उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और जो डिजिटल फैसिलिटीज़ हैं वो इंडिया के सारे कस्टमर्स जितने भी सी आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स होंगे ऑल ओवर इंडिया उन सबको ईज मिल जाएगी इस एक स्टेप से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम थोड़े से स्टार्टिंग पॉइंट्स देख लें हेड हेडक्वार्टर इसके मुंबई में है फाउंड कब हुआ था ये ट्वेंटी फर्स्ट दिसंबर नाइनटीन इलेवन को बहुत पुराना बैंक है नाइनटीन इलेवन को फॉर्म हो गया था और एम डी सी ओ है इसके एम वी राव ठीक है एम वी राव इसके एम डी एंड सी ओ हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च वॉल्ट एंड इंडस्ट्रीज फर्स्ट डिजिटली एनेबल्ड रिवॉर्ड बेस्ड प्रोग्राम किस बीमा कंपनी ने उद्योग का पहला डिजिटल रूप से सक्षम पुरस्कार आधारित कार्यक्रम वॉल्ट लॉन्च किया है तो ये लॉन्च किया है एच डी एफ सी आरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने ठीक है एच डी एफ सी आरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इसके स्टैटिक पॉइंट्स क्या हैं इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्री बेस्ड डिजिटल कस्टमर एंगेजमेंट एंड रिवॉर्ड्स प्रोग्राम है ये जब भी इंडिया फर्स्ट या वर्ल्ड फर्स्ट कुछ आता है तो ऑब्वियसली आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है तो ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कस्टमर्स uh, को रिवॉर्ड के थ्रू एंगेज किया जाएगा अपनी uh, अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ ठीक है तो ये क्या करेगा कि इन्होंने ना कुछ टारगेट्स रखे हैं कुछ ऐसे स्पेसिफाइड क्राइटेरिया रखा है कि अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो अगर जो इनके कस्टमर्स हैं वो उसको फॉलो कर लेंगे ना तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा ठीक है एक रिवॉर्ड uh, पॉइंट्स मिलेंगे जैसे अभी किसी भी uh, हम एमज़ोन वगैरह पे भी करते हैं ना रिवॉर्ड पॉइंट्स कुछ मिलते हैं उसको हम कैश uh, के लिए uh, मतलब वो करवा सकते हैं वापस uh, इक्वेलेंट टू कैश होते हैं वो मतलब कुछ वाउचर्स वगैरह मिलते हैं हमारे को वहाँ से जैसे इनको ये क्या आप प्रोवाइड करवा रहे हैं फार्मेसी वाउचर्स या फिर डॉक्टर्स की कंसल्टेशन वगैरह अब क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो वो आपको कुछ और शॉपिंग वगैरह तो नहीं प्रोवाइड करवाएगी वो आपको प्रोवाइड करवाएगी फार्मेसी के लिए वाउचर्स आपको कुछ भी मेडिसन्स वगैरह लेनी है उसके लिए मतलब वो आपको कूपन्स दे देंगे या फिर डॉक्टर की कंसल्टेशन आपको चाहिए तो उसके लिए कूपन्स मिल जाएंगे तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ठीक है ये प्रोवाइड करवा रहा है हमारे को एच डी एफ सी अर्गो जनरल लाइफ इंश्योरेंस अब आज के पॉइंटर्स देख लेते हैं ये आज के और पिछले कल के पॉइंटर्स हैं ठीक है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ लिमिटेड एडिशन चेन्नई सुपरकिंग्स ब्रांडेड डेबिट कार्ड चेन्नई सुपर किंग्स का ब्रांडेड डेबिट कार्ड लॉन्च किया है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ठीक है बस इसमें इतना ही ज़रूरी है जितना अभी बता रही हूँ आपको इसमें बहुत डिटेल में जाने की हम आपको जरूरत नहीं है एम डी सी ओ कौन है इक्विटस फाइन स्मॉल फाइनेंस बैंक के वी पी नरसिम्हन हेड क्वार्टर्स के चेन्नई तमिलनाडु में है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है अकॉर्डिंग टू द सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 जिसकी सेवंथ एडिशन ये थी डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 रिपोर्ट का नाम क्या है डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0 जो रिलीज की है डफ एंड फिल्प्स ने डफ एंड फिल्प्स कंपनी ने जो अब जिसका नाम क्रॉल हो गया है ठीक है अब इसका नाम क्रॉल हो गया है इसने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है इसके अकॉर्डिंग इंडियन क्रिकेटर जो हैं विराट कोहली वो इंडिया के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी हैं और ये इसी साल नहीं है ये पिछले पाँच साल से इंडिया के मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी रह रहे हैं ठीक है थीके? तो इस साल भी फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव इनका to uh, win the title of India's most valued सबसे ज़्यादा इनकी ही value है uh, as an Indian celebrity first पे ये है second पे हैं आपके Ranveer Singh third पे Akshay Kumar हैं और fourth पे Alia Bhatt हैं Alia Bhatt जो हैं among women uh, female category में top कर रही हैं uh, India की अगर देखें तो most valued celebrity में female category में Alia top कर रही हैं male में या overall अगर बोले तो Virat Kohli top कर रहे हैं ठीक है थीके? ये इसमें इतना इंपॉर्टेंट है इसमें से आद आपको इंपॉर्टेंट कुछ नहीं बनता है तो सिर्फ आपको याद रखना है विराट कोहली फर्स्ट पे सेकंड पे रणवीर सिंह थर्ड पे अक्षय कुमार फोर्थ पे आ, आलिया भट्ट ठीक है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है आई बैंक एंड एच बैंक टू एक्वायर अप टू फिफ्टीन स्टेक इन आई अब आई डी आई सी आई सी बैंक ने और एच डी एफ सी बैंक ने दोनों ने मिल के मतलब अपने अपने अलग अलग शेयर्स लिए हैं फिफ्टीन फिफ्टीन परसेंट का शेयर ले लिया है इन्होंने आपका आई डी आर सी एल में और अगर हम बात करें आई बैंक की तो इन्होंने फाइव स्टेक मार्च में एन ए का भी लिया था तो जो हमने डिस्कस भी किया था यहाँ पर जो आपकी नेशनल असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी है ना उसमें भी फाइव परसेंट स्टेक लिया था मार्च में आई बैंक ने तो आपको सिर्फ बैंक्स के नाम कितना परसेंट स्टेक है किस कंपनी में किया है उतना याद रखना है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धन आ, जगदीप धनकर इनोग्रेट पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति एट आई आई अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं जगदीप धनकर उन्होंने एक पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम शक्ति परम शक्ति ये लॉन्च किया है कहाँ पर आईआईटी आई खड़गपुर में और किस मिशन के अंडर किया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर अब इससे रिलेटेड एक और पॉइंट जो हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया था कि इसी सेम मिशन के अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर ही Uh, पहले भी एक सुपर कंप्यूटर लॉन्च हुआ था जिसका नाम परम गंगा था है ना परम गंगा उसका नाम था जो गंगा वाला है वो आपका आईआईटी रुड़की में हुआ था आईआईटी रुड़की में लॉन्च हुआ था वो वो भी आपको याद रहे परम गंगा आई रुड़की में हुआ था परम शक्ति वाला जो है वो आपका आई आई में हुआ है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है दर्टीनथ फाजा इंटरनेशनल पैराथलेटिक्स चैम्पियनशिप ऑफ वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रेंड ब्रिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू हेल्ड दुबई फ्रॉम ट्वेंटी फर्स्ट मार्च टू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्थ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी सेकेंड इन विच इंडिया सिक्योर्ड एट्थ पोजिशन विद फोर्टीन मेडल्स एक चैम्पियनशिप है जो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी ठीक है पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप थी जो कहाँ पर हुई थी दुबई में दुबई में हुई थी ट्वेंटी फर्स्ट चले गए ट्वेंटी फोर्थ मार्च के बीच में उसमें इंडिया ने टोटल जो मेडल टेली का स्कोर बनता है ना बाद में उसमें इंडिया की एट्थ पोजीशन है इंडिया ने उसमें टोटल फोर्टीन मेडल्स जीते हैं ठीक है फोर्टीन मेडल्स जीते हैं जिनमें से फाइव गोल्ड हैं सिक्स सिल्वर हैं और थ्री ब्रॉन्ज मेडल्स हैं अब इस चैंपियनशिप में वैसे तो ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इंडिया की पोजीशन पूछ ली जा सकती है तो वो एट्थ है आपको वो याद रखनी है सेकेंड इसमें मेन क्या पॉइंट बनता है कि इसमें जो आपके इंडियन पैरा एथलीट हैं धर्मवीर धर्मवीर जो एक गेम से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है क्लब थ्रो उसमें उन्होंने एशिया का रिकॉर्ड बना लिया है जिसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ठीक है तो एशिया का रिकॉर्ड बना है इन्होंने क्लब थ्रो गेम का नाम है धर्मवीर जो एथलेटिक हैं जो एथलीट है हमारे उनका नाम है और सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है इस इवेंट में ठीक है बस इसमें आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हमारी स्लाइड देख लेते हैं एक बार भीम बहादुर गुरुंग बीबी गुरुंग जो फॉर्मर Uh, और थर्ड सीएम थे सिक्किम के सिक्किम के सीएम थे भीम बहादुर गुरुंग उनकी डेथ हो चुकी है तो आपको ऑबिचरीज में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिर्फ सीएम थे सिक्किम के भीम बहादुर गुरुंग उतना आपको याद रखना है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर रिलीज अ बुक टाइटल इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड्स ट्वेंटी पाथवेज फॉर एनहांसिंग फार्मर्स इनकम न्यूट्रिशनल

फाइव डीकेड ओल्ड मतलब कि पचास साल पुराना एक लैंड uh, का जो बॉर्डर डिस्प्यूट होता है सिक्स प्लेसेस में उनको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने एक पैक्ट uh, साइन किया ठीक है तो कौन कौन सी गवर्नमेंट्स ने किया असम और मेघालय की गवर्नमेंट ने फाइव डी पुराना था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बॉर्डर डिस्प्यूट था सिक्स प्लेसेज का उसको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने ये पैक्ट साइन किया नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन साइंड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने एक आ, आपका पैक्ट साइन किया है जिसमें डेवलपमेंट हो सके आपके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रेंज की सिर्फ इतना याद रखना है कि इंस्ट्रूमेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर रेंज को और डेवलप किया जा सके इंडियन एयरफोर्स के लिए उसके लिए एक पैक्ट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने जिसकी कॉस्ट क्या होगी वन करोड़ रुपीज़ बस इसमें आपका इतना इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इंडियन नेवी कमिशन सेकेंड पी एटी वन स्क्वाड्रन दान्डोर्स ऑफ फोर एयरक्राफ्ट नेम्ड इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन आई एन एस थ्री हंड्रेड सिक्सटीन एट द आई एन एस हंसा नेवल एयरबेस इन गोवा द न्यू स्क्वाड्रन विल बी कमांडेड बाई कमांडर अमित मोहपात्रा बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ सेकेंड पी एटी वन स्क्वाड्रन उन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम द कॉन्डोर्स पे द कॉन्डोर्स मतलब कॉन्डोर्स हैं एक आपका बर्ड है जो बहुत हाई फ्लाइट रखता है तो उसके नाम पे इसको मतलब टाइटल दिया गया साथ में ये हंसा नेवल एयरबेस जो गोवा में सिचुएटेड है वहाँ पर लॉन्च हुआ है ठीक है बस इसमें इतना याद रखना है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज़ कमेटेड टू इन्वेस्ट यू एस डॉलर सिक्स मिलियन ज्वाइंटी टू एक्सप्लोर लीथियम एंड कोबाल्ट माइन्स इन ऑस्ट्रेलिया इन द नेक्स्ट सिक्स मंथस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने मिलकर एक सिक्स मिलियन यूएस डॉलर्स का अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें यह कमिटमेंट दी गई है कि लिथियम और कोबाल्ट की लीथियम और कोबाल्ट आपके पास होते है ना उसकी माइंस जो हैं वहाँ उनको एक्सप्लोर किया जाए ऑस्ट्रेलिया में अगले सिक्स मंथ्स में उनकी प्रॉपरली एक्सप्लोरेशन हो सके उसके लिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक पैक्ट साइन किया अग्रीमेंट साइन किया या इन्वेस्टमेंट किया नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है गूगल पे हैज पार्टनर्ड विद पाइन लैब्स टू लॉन्च टैप टू पे फॉर यूपीआई फंक्शनलिटी कुछ नहीं याद रखना सिर्फ टैप टू पे इंट्रोड्यूस करने के लिए यूपीआई में जो आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है उसमें टैप टू पे वाला मतलब जस्ट टैप करके पे हो जाता है ना जहाँ पर उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए गूगल पे ने पाइन लैब्स के साथ कोलाबोरेट किया है ठीक है गूगल पे ने पाइन लैब्स के साथ कोलाबोरेट किया है बस इतना याद रखना आपको अब नेक्स्ट है आई कट्स इंडियाज फाइनेंशियली ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जी डी पी ग्रोथ फोरकास्ट टू सेवन पॉइंट टू परसेंट फ्राम एट परसेंट कोई नई न्यूज़ नहीं है क्योंकि पहले भी हमने जितनी भी रेटिंग्स पढ़ी हैं वो डिक्रीज ही किए सबने कट ही किए हैं ग्रोथ तो आई ने भी कट कर दी है एट परसेंट से लेके अब कर दी है सेवन पॉइंट टू परसेंट ठीक है बस इतना याद रखना सेवन पॉइंट टू अब इनकी नई रेटिंग जो है इस साल की इतना सा याद रखना आपने इसमें नेक्स्ट हमारे पास है जनरल मनोज मुकुंद नरवाने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रेजेंटेड द प्रेजिडेंट्स कलर जो हमने थोड़े दिन पहले भी डिस्कस किया था कि प्रेजिडेंट कलर्स दिया है ना पहले हम ये देख लेते हैं इस वाले न्यूज़ को कि प्रेजिडेंट कलर्स को और निशान भी कहते हैं ठीक है ये मिला है दो बटालियंस को जो कि डोगरा रेजिमेंट के बटालियंस होंगे उनको मिला है जिनका नाम है ट्वेंटी डोगरा और ट्वेंटी वन डोगरा इन दोनों बटालियंस को मिला है ठीक है अब प्रेजिडेंट कलर्स हमने थोड़े दिन पहले जो डिस्कस किया था ये तो दिया है ना मनोज मुकुंद नरवाने ने वो दिया था रामनाथ कोविंद ने किसको दिया था जो आई एन एस वलसूरा थी ना हमारी इंडियन नेवल शिप जिसका नाम था वल्सूरा उसको मिला था थोड़े दिन पहले आपका प्रेजेंट कलर्स ठीक है तो वो भी याद रखना है आपको प्रेजेंट कलर्स uh, इसको भी मिला है आई एन एस को भी और जो बटालियंस को मिला है वो डोगरा रेजिमेंट की दो बटालियंस है ट्वेंटी और ट्वेंटी वन इनको मिला है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नेटो एक्सटेंड्स जेन्स टॉल्टनबर्ग टर्म एज सेक्रेटरी जनरल ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नेटो जो आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हमने इसके किए थे ना हमने डिस्कस की जेम्स स्टॉल्टनबर्ग इनके हेड है सेक्रेटरी जनरल हैं इनके उनकी जो टर्म है उसको एक्सटेंड कर दिया गया 2023 तक अब यही जो है वहां के सेक्रेटरी जनरल रहेंगे ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विश्वास पटेल हैज बीन री एज चेयरमैन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को दोबारा जो विश्वास पटेल ही थे पहले चेयरमैन उनको वापस री कर लिया गया है तो अब वही दोबारा से पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बन गए अगला हमारे पास फिर से अपॉइंटमेंट का ही क्वेश्चन है अपॉइंट है कि असम के जो सी एम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा इनको री इलेक्ट कर दिया गया है प्रेजिडेंट के तौर पर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के इंडिया की जो बैडमिंटन एसोसिएशन है उसके प्रेजिडेंट ये पहले भी थे हेमंत विश्व शर्मा इनको वापस री एलेक्ट कर दिया गया अब दोबारा से यही बन गए इसके प्रेज uh, प्रेजिडेंट ठीक है नेक्स्ट हमारे पास है द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस स्कीम दैट अलाउज प्रिजनर्स टू ऑबटेन पर्सनल लोन्स फ्रॉम बैंक्स अप टू फिफ्टी थाउजेंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक ऐसा इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें जो प्रिजनर्स होते हैं आपके जो जेल में uh, लोग होते हैं उनको उन कैदियों को फिफ्टी uh, थाउजेंड तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा सेवन परसेंट के इंटरेस्ट रेट पे किस लिए ताकि जो उनकी फैमिलीज़ हैं पीछे से वो गुजारा कर सकें और साथ के साथ जो भी इनकी लीगल हियरिंगस वगैरह चलती है ना जो भी इनके कोर्ट में पैसे लगते हैं उन सब में भी उनको हेल्प मिल सके उन सब से डील करने के लिए भी सारे के लीगल मैटर्स वगैरह को भी वहीं से डील किया जाएगा तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है आपके लिए एग्जाम अभी ये किसी का भी कोई भी एग्जाम हो रहा है उस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है तमिलनाडु हैज इंड एम ओ यू विद दी लूलू ग्रुप ऑफ यू दुबई का एक ग्रुप है उसके साथ तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें 3500 करोड़ रुपीस जो है वो इन्वेस्ट किए जाएंगे तीन मेजर प्रोजेक्ट्स में जो कि तमिलनाडु में होंगे ठीक है यू का ये ग्रुप है इतना याद रखना है कितना उसमें कॉस्ट लगेगी थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ उसमें कॉस्ट लगेगी और तमिलनाडु में थ्री प्रोजेक्ट्स होंगे ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आज के अब अगर आप इस आपको इसमें कोई भी डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में मैं आपसे मिलूंगी कल अप्रैल के फर्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ थैंक यू